हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि स्कॉर्पियो लगन में अगर आपका स्कॉर्पियो एसेंडेंट है और सैटर्न अगर वहाँ पे फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो आपका क्या रिजल्ट देगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा जी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए आप प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा हो और स्कॉर्पियो लगन में हो, सो स्कॉर्पियो अगर एसेंडेंट हो, 8 नंबर अगर यहाँ लिखा हो तो आपको क्या रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। आपको पता है जी कि 8 नंबर इज़ रूल्ड बाय स्कॉर्पियो, इज़ रूल्ड बाय मार्स जो कि एरीज को भी रूल करता है। बट यहाँ पे जो मैंने आपको एरीज के बारे में बोला था वैसा रिजल्ट नहीं होगा, उससे काफ़ी कम मैं बोलूँगा जी कि यहाँ पे सैटर्न का नेगेटिव इफेक्ट होगा कंपैरेटिवली एरीज में जो नेगेटिव इफेक्ट रहेगा उससे। तो अगर सैटर्न अगर यहाँ बैठा हुआ है तो हम देख लेते हैं जी कि सबसे पहले कि वो कहाँ कहाँ देख रहा है। तो वो 10th हाउस को देख रहा है, मतलब 3rd हाउस को देख रहा है यहाँ से अपनी तीसरी दृष्टि से जो कि उसका खुद का हाउस है, यहाँ पे 10 नंबर लिखा है। 7th हाउस को देख रहा है जिसमें 2 नंबर लिखा है और 10th हाउस को देख रहा है जिसमें 5 नंबर लिखा है। तो फादर के साथ तो या इसका रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा रहने नहीं वाला है फॉर श्योर। इसके लिए तो मैं आपको मैं श्योरिटी दे सकता हूँ, अनली अनलेस मून बहुत अच्छा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सन बहुत अच्छी सिचुएशन में बैठा है तो ही आपको फादर का एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। फॉर इंस्टेंस अगर 5th हाउस में सन बैठा है तो आपका फादर के साथ अच्छा रिलेशन रहेगा, फादर का बेनिफिट आपको मिलेगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे और भी कहीं जहाँ अच्छे हाउसेस में बैठा, अगर 2nd हाउस में बैठा है या क्या बोलते हैं कोई और 9th हाउस में बैठा है तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एज एन अगर देखा जाए तो लाइक सैटर्न के थ्रू क्या फ़ायदा मिलेगा तो मुश्किल है। अगर सन कहीं अच्छा बैठा है तो वो कुछ अच्छा रिजल्ट दे देगा। अब बात ये आती है जी कि जॉब से रिलेटेड काम, आप अगर 5th हाउस में अगर सैटर्न की दृष्टि है तो आप नौकरी गवर्नमेंट जॉब में आप ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा तब जाकर आपको गवर्नमेंट जॉब का फ़ायदा मिलेगा। सन देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। साइमल्टेनियसली यहाँ पे देखा जाए तो छोटे भाई बहनों से हो सकता है आपको बेनिफिट मिले, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस का लॉर्ड होकर वो 1st हाउस में बैठा हुआ है तो आपको छोटे भाई बहन से शायद कुछ अच्छे बेनिफिट्स मिल जाए। लेकिन आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बनी रहेगी, लेकिन स्ट्रगल करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आप उससे एक्सपीरियंस गेन करेंगे और आपको फ़ायदा मिलेगा और आपको उस फायदे वो फ़ायदा अच्छा टिकाऊ फ़ायदा होगा। और मार्स अगर अच्छा रहा तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर मार्स कहीं पे गलत जगह बैठा है तो स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा सैटर्न, ठीक है। साइमल्टेनियसली अगर देखें तो 4th हाउस का ओनर है, 1st हाउस में बैठा हुआ है तो कन्वीनियंस आपको मिलेगी, फ़ायदा आपको मिलेगा, लेकिन वो परमानेंट सी कितनी रहेगी, उसका आप बेनिफिट्स कितना ले पाएंगे वो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है मार्स के ऊपर कि मार्स कैसे सिचुएशन में बैठा है। तो हालांकि मदर के साथ अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, मदर थोड़ी परेशान रहेंगी आपको लेके, लेकिन आपका रिलेशनशिप मदर के साथ अच्छा रहेगा। आपके एग्रेसिव नेचर्स को सैटर्न यहाँ कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, आप थोड़े शांत स्वभाव के हो जाएंगे यहाँ पे बिकॉज ऑफ सैटर्न, लेकिन आप में एग्रेशन रहेगा और आपका नाम बनेगा अगर आप अपने आप को एग्रेशन से दूर रखें। तो सैटर्न यहाँ पे अपनी 7th दृष्टि 7th हाउस को, 7वीं दृष्टि 7th हाउस में ही दे रहा है तो यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न आपको कुछ हद तक अच्छा फायदा प्रोवाइड करेगा बिकॉज मार्स के साथ तो वीनस का नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे सैटर्न बैठा है तो आपको थोड़ा बेनिफिट देगा कपल रिलेशनशिप पे। बट अगर आप शादी लव मैरिज करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा सैटर्न 1st हाउस में बैठ के शादी के घर को हमेशा ही कॉम्प्लिकेटेड करता है। 1st हाउस का बैठा राहु सैटर्न सब कुछ प्रॉब्लम देते हैं और लेकिन शादी होती है और लव मैरिज होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बिकॉज 7th हाउस का लॉर्ड होके वो 1st हाउस में बैठा है तो आपके हेल्थ में थोड़े प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन आप उसको सुधार सकेंगे अगर आप सैटर्न की रेमेडी करेंगे। तो ये मेरा रिव्यू रहा, सैटर्न अगर स्कॉर्पियो लगन में 1st हाउस में बैठा हो तो वो क्या रिजल्ट देगा। थैंक यू।